नमस्कार, द रूस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हु किल्ड सुभश्री? सुभश्री का हत्यारा आखिर कौन है? सुभश्री का हत्यारा को जानने से पहले आपको ये समझना होगा जो तमिलनाडु में पोस्टर कल्चर है वो कितना ज्यादा घर कर चुका है। तमिलनाडु की अगर आप बात करें, सिनेमा बनाने वालों से लेके सिनेमा रिलीज से लेके म्यूजिक लॉन्च से लेकर जो टेलीविजन में आप प्रोग्राम्स देखते हैं वहां तक के पोस्टर्स लगते आ रहे हैं। यहीं तक ही नहीं, हर कोई आज पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के आगे अगर आप जाएं तो उनके जन्मदिन, मरम दिन या फिर उनकी 100वीं वर्षगांठ या फिर 110वीं वर्षगांठ तक ये लोग मनाते हैं। वहीं तक ही नहीं, जो आम आदमी है, आम आदमी के घर में भी कोई मृत्यु होती है उसके लिए भी एक होर्डिंग बैनर लग जाता है। उनकी पहली, दूसरी, 10वीं वर्षगांठ तक के लिए पोस्टर्स लगने लगते हैं। यहीं तक ही नहीं, स्कूल के एडमिशन से लेके अस्पताल के बारे में आपको जानना है उसके लिए भी पोस्टर्स हैं। यहीं तक बात नहीं रुकती है, अगर कोई स्टोर लॉन्च है या फिर रेस्टोरेंट का लॉन्च है या फिर रेस्टोरेंट में एक नया मेन्यू आ गया उसके लिए भी पोस्टर इश्तेहार यहाँ पे सड़कों पर लग जाते हैं। यानी पूरा का पूरा शहर आज की डेट में एक कूड़े के डब्बे से कम नहीं नजर आता है। कुछ एक ऐसे मीडिया हाउसेस भी हैं जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल खुद को मानते हैं, आप तक खबरें पहुंचाते हैं। इनमें मैगजीन्स हैं, अखबार हैं, टीवी चैनल्स हैं, तमाम वो लोग हैं जो खुद के प्रोग्राम्स को, खुद के आर्टिकल्स को, खुद के मैगजीन्स को बेचने के लिए इस तरह के अनऑथराइज्ड पोस्टर्स या फिर होर्डिंग्स लगाते आ रहे हैं। ये तमाम ये चीज़ लोग क्यों करते हैं? ये खुद की या तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं या फिर खुद के वेल्थ को दिखाने के लिए करते हैं। और एक तरफ ये भी देखा जाता है क्योंकि यहाँ का जो कॉरपोरेशन है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है चेन्नई का, वो बिल्कुल ही दखल नहीं देता है। जो यहाँ पे पुलिस वाले हैं वो भी इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। यानी आप जो मर्जी करें सड़क के साथ, जो चाहें, जहाँ चाहें आप चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। सुभश्री, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, एक एग्जाम लिखकर अपने घर वापस लौट रही थी, एक इसी तरह का होर्डिंग उनके सर पर गिरता है। सुभश्री सड़क पर ही गिर जाती हैं, पीछे से आता हुआ पानी का टंकर उनके ऊपर चढ़ जाता है। सुभश्री को अस्पताल ले जाने पर यह पता चलता है कि सुभश्री की मौत काफी पहले हो चुकी है। सुभश्री की इस मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि आप और मैं और मुझ जैसे तमाम वो लोग हैं जो इन चीज़ों को इग्नोर करते आ रहे हैं। कोई भी कोई सवाल नहीं पूछता है कि आखिर आपने यहाँ पर पोस्टर होर्डिंग कैसे लगाया, कटआउट कैसे लगाया। अगर हम आम पब्लिक इन लोगों से सवाल पूछते तो शायद इनकी हिम्मत नहीं होती। दूसरी तरफ अगर आपने सवाल पूछा या फिर जिन लोगों ने भी सवाल पूछा उनके ऊपर केसेस किए गए, उनको जेल की हवा खानी पड़ी। इसी तरह से एक इंसिडेंट हुआ 2017 में जहां पर एक अमेरिका से आया हुआ यंग इंजीनियर जिसकी एक होर्डिंग लगाए गए पिलर के साथ एक टकराव होता है, वहां पे वो गिर जाता है, पीछे से एक टंकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके दोस्तों ने रात में उसी सड़क पर जाकर ये लिख दिया, हु किल्ड रघु। जब ये बात ट्रेंड हुई, सोशल मीडिया पे पहुंची तो वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन था और वहाँ का जो लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन था, इन दोनों ने ही उस सड़क को रीपेंट किया, साफ किया और उन लड़कों को जिन्होंने ये चीज़ लिखी थी उनके ऊपर केस करके उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। 7 दिनों की जेल की हवा खाने के बाद वो लोग बाहर आए और काफ़ी समय तक केस लड़ते रहे। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अरपोर इयक्कम, जिसने जयललिता के जन्मदिवस पर लगाए गए होर्डिंग्स को हटाने के लिए वहां पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उनके ऊपर भी केस किया, उनको भी 7 दिन की जेल की हवा खानी पड़ी और वो जो केस है वो तो चलता रहा। एक और जनाब है जिनका नाम है ट्रैफिक रामस्वामी, काफ़ी बुजुर्ग हैं, एडवोकेट हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो काफ़ी अरसे से इन होर्डिंग्स के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते आ रहे हैं। जहां पर वो होर्डिंग्स को देखते हैं उसको वो फाड़ देते हैं या फिर वहां पर पुलिस को बुला के उसको हटवाने की कोशिश करते हैं। इनके ऊपर कई बारी जानलेवे हमले तक हो चुके हैं, इनको कई बारी अरेस्ट तक किया गया है इस वजह से कि आप होर्डिंग कैसे हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। 2006 में मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर पारित किया था कि किसी भी तरह का होर्डिंग, किसी भी तरह का
पोस्टर या फिर कटआउट चेन्नई या फिर तमिलनाडु में नहीं लग सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में अपनी मुहर भी लगा दी थी। उसके बाद कभी किसी सरकारी अधिकारी ने ऐसा कोई काम नहीं किया या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो इन पोस्टर्स पर रोक लगा सके या फिर इन पोस्टर्स को हटा सके। 2017 में एक बार फिर मद्रास हाईकोर्ट ने ये वार्निंग दी कि जितने भी पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, वो नहीं लग सकते हैं। क्या ये वो शहर है जो एक समय पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था? मुझे आज भी याद है 2007 से लेकर 2009 के आसपास जब मैं इस शहर में आया था, तब इस शहर को एक बहुत सुंदर शहर देखा था मैंने। यानी पूरे जितने भी यहाँ पे सड़कें थीं, एयरपोर्ट से लेके जहाँ जहाँ पर भी मैं उस समय पे गया, वो तमाम सड़कें खूबसूरत पेंटिंग से सजी हुई थी। यानी सारी सड़कों की दीवारों पर पेंट किया गया था, खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पे करी गई थी, पोस्टर्स के नाम पर यहाँ पर शून्य था। 2010 के बाद जो मैं देख रहा हूँ शहर पे जो बदलाव आ रहे हैं, वो इतने ज़्यादा गंभीर हैं। उन पेंटिंग्स को वैसे ही छोड़ दिया गया, उस पर दोबारा से कोई पेंटिंग नहीं हुई। यहाँ तक कि यहाँ पे जो सड़कें हैं उनकी भी हालत बद से बदतर हो चुकी है। यानी जो पॉश इलाके हैं वहाँ पर भी जगह जगह गड्ढे खुद चुके हैं। रिलायंस एक्ट इस तरह के तमाम वो लोग जिनको तारें बिछानी हैं सड़क के नीचे अपने इंटरनेट के लिए, वो जगह जगह खोदते हैं। किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जहां आपका मन करे आपने खुदाई करी, उसको मिट्टी से ढक दिया और चले गए। आपको हम फुटेजेस तक दिखा सकते हैं। पूरे चेन्नई में एक भी ऐसी सड़क नहीं है जो मात्र 1 किलोमीटर के लिए सही हो बिना किसी गड्ढे के। तो ये तमाम चीज़ें, गड्ढे खोदते हैं, दीवारें खराब होती हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए कोई नहीं आता है। प्रशासन अपने हाथ में हाथ धरे बैठा रहता है, जो लोग हैं वो इनको करते देखते रहते हैं। आज सुभश्री की मौत हुई है। सुभश्री के बारे में आज कल परसों लोग बात करेंगे, एक और नया समाचार आ जाएगा, आपका जो फोकस है वो शिफ्ट होके किसी और समाचार, किसी और न्यूज में चला जाएगा। सुभश्री की बात, रघु की बात इसी तरह से सोशल मीडिया पे और कुछ दिन घूमेगी और वो समाप्त हो जाएगी। ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये इसी तरह आपके शहर को, मेरे शहर को गंदा करते आएंगे। शुभश्री, रघु, ऐसे तमाम वो लोग हैं जो मौत की भेंट चढ़ते चले जाएंगे। पुणे की एक घटना है, पुणे में भी इसी प्रकार एक शादी के उत्सव पर किसी ने होर्डिंग लगाया था जिसपे 6 लोगों की मौत होती है। एक और इंसिडेंट में एम्बुलेंस के ऊपर एक होर्डिंग गिरता है, वहाँ पर जो एम्बुलेंस में जो लोग जा रहे थे एक्सीडेंट होता है और उसमें भी लोग मर जाते हैं। कल ही की खबर है, वेल्लोर में एक शादी का महोत्सव में एक होर्डिंग लगाया गया था जिसके चलते एक टास्मा यानी एक शराब की दुकान पर काम करने वाला एक व्यक्ति, वो वहाँ से गुजरता है, उसके सर पर ये होर्डिंग गिरता है और वो गंभीर तौर पर घायल है, उसको अस्पताल में एडमिट किया गया है। एक और शख्स से मेरी बात हुई कल, एक ऑटो रिक्शा वाला था, उसका ये कहना था कि मैं जब ऑटो से जा रहा था मेरे पीछे सवारी बैठी थी, एक होर्डिंग गिरता है, मेरे ऑटो की छत को पार करते हुए उनके जो थाइज़ हैं उस पर वो आके गिरता है, उनकी थाइस कट जाती हैं, उसके बाद उसको मैं हॉस्पिटल लेके जाते हुए तमाम चीज़ें होती हैं। आखिर क्यों प्रशासन विफल है इन होर्डिंग्स को रोकने में? आखिर क्यों कोई भी सरकारी महकमा इन होर्डिंग्स पे रोक नहीं लगा पा रहा है? आखिर क्यों ये जितने भी सरकारी बाबू हैं ये सोचते हैं कि हमें सरकार पैसा नहीं देती है, सरकार तनख्वाह नहीं देती है, बल्कि इसी तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर सिनेमा वाले या फिर ये जो मीडिया हाउसेज हैं यही इन लोग को पैसे दे रहे हैं। यानी ये तमाम वो लोग हैं जो इस शहर को गंदा कर रहे हैं, इस शहर को मौत का दलदल बना रहे हैं। शुभश्री आज सुरक्षित अपने घर जाती अगर ये होर्डिंग वहाँ पर नहीं होता। इस पर मजाक की बात ये है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो लोग हुए हैं जो कि ट्रक को चला रहा था या फिर जिसने उस पोस्टर को प्रिंट किया। वो जनाब जो नेता थे जिन्होंने वो होर्डिंग वहाँ पर लगवाया सीएम के आगमन पर, उसके खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन या फिर केस नहीं किया गया। यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना ज़्यादा बेशरम हो चुका है। यानी एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जय कुमार, वो ये कहते हैं कि हज़ारों होर्डिंग्स लगती हैं, एक इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, जो चालक हैं उन्हीं को संभल के जाना चाहिए। शुभश्री की मौत के सिर्फ 24 घंटे के बाद भी हमें जगह जगह इसी तरह के पोस्टर्स, इसी तरह के होर्डिंग्स नज़र आते हैं। कल ही की बात है जब मैं ये रिपोर्ट लेने गया था तो एक तरफ AIADMK का झंडा था और दूसरी तरफ DMK का झंडा था, और उस तरफ जो स्टालिन है वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह का होर्डिंग या फिर पोस्टर आप लगाते हैं तो मैं उस शादी में नहीं शरीक होऊंगा। आखिर एक पोस्टर से
एक इंसान की मृत्यु हो कैसे सकती है? आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन अगर आप चेन्नई कभी आए हों या फिर अगर देखें चेन्नई की तस्वीरें, तो आपको हैरान परेशान कर देंगी। जो मेरे पीछे आप ये झंडे देख रहे हैं, ये किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि किसी की शादी के लिए है। यानी इस पार्टी से जुड़े कई नेता जिनकी शादी होती है, या फिर उसके समर्थकों की जब किसी की शादी होती है, तो इसी तरह के झंडे, इसी तरह के बैनर्स जो है यहाँ पे लगाए जाते हैं। आपको हंसी तब आएगी जब आप देखें, तो ये जो पीछे, एकदम पीछे जो मेरे झंडा लगा है, ये डीएमके का है। यहाँ पे जो लोग इस झंडों को लगाते हुए आ रहे थे, उनका ये कहना है, कल यहाँ पे एडीएमके के लोगों की शादी थी, तो वो ख़त्म हो गई है, अब हम इनको निकाल के डीएमके के झंडे लगा रहे हैं। खुद के प्रचार के लिए लोगों के जीवन से खेलते हैं ये। जो इतना, अगर आप, मैं बहुत इसको बहुत पास से अगर आप दिखाऊं, ज़रा कैमरा को घुमाएं, ये पूरा का पूरा जो डंडा है, तकरीबन 15-20 फीट का डंडा है, और इसको एक छोटी सी सुतली से बांधा गया है। अगर आप इस पूरे डंडे को देखें, तो इसको एक छोटी सी सुतली से बांधा गया है। यानी आप एक तरह से हरा झंडा दे रहे हैं कि आप लगाइए, आप लगाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, वो बात अलग है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं लगाएंगे, अगर आप लगाएंगे तो आपके खिलाफ पार्टी और पुलिस, हम दोनों ही एक्शन लेंगे। ऐसा दमखम आखिर क्यों यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं है? आखिर कब तमिलनाडु का पोस्टर कल्चर समाप्त होगा? कब तक सुभाश्री जैसे कई ऐसे बच्चों को अपनी मौत से गुजरना होगा? आखिर कब तक हम इस सवाल को पूछते रहेंगे कि हु किल्ड सुभाश्री एंड हु किल्ड रघु? इस मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, आप, मैं और हम जैसे वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अनदेखा किया इन जैसे पोस्टर्स को, इन जैसे होर्डिंग्स को। सोचिए जरा, अगला नंबर शायद आपका भी होगा। बने रहे हमारे साथ दुरुस्त न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।